नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस भिड़ी, बैरियर को तोड़ा। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मथुरा बॉर्डर जंग का मैदान बन गया। यहां दोनों प्रदेशों की पुलिस के बीच रविवार को भिड़ंत हो गई। राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने सीमा पर लगा बैरियर तोड़ डाला। इस दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलते ही भरतपुर और मथुरा जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मामले के अनुसार राजस्थान पुलिस बिना किसी रिकॉर्ड के झारखंड बिहार के श्रमिकों को यूपी में प्रवेश करा रही थी, जिसका मथुरा पुलिस ने विरोध किया। इसके बाद राजस्थान पुलिसकर्मियों ने मथुरा बॉर्डर पर लगे बैरियर को तोड़ दिया और प्रवासी श्रमिकों को मथुरा के रास्ते यूपी में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। इससे पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। दो पुलिसकर्मियों के हाथ में चोट लग गई। सूचना मिलने के बाद सीमा पर भरतपुर के एसएसपी, डीएम तथा मथुरा के एसएसपी पहुंच गए हैं। दोनों जिलों के आला अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है। खास बात यह है कि मथुरा के जिला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा, उत्तर प्रदेश।